चैत नवरात्र के प्रथम दिन बुढ़िया माता मंदिर में भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिर में सुबह 6 बजे से ही लाइन लग गई थी। श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार करते हुए आगे बढ़ रहे थे और मंदिर में पहुंचकर माता के दर्शन करके परिवार के सुख समृद्धि की कामना कर रहे थे। वहीं सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो मंदिर में पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी, जो कि 9 दिनों के लिए लगाई गई है। यहां पर 9 दिनों तक काफी भीड़ भाड़ होती है और मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ आकर दर्शन करता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बुढ़िया माता मंदिर के पुजारी के पुत्र शैलेंद्र व श्रद्धालुओं ने कहा, नवरात्र में कम से कम 5,000, 2,000, 10,000, 5,000, 20,000, 50,000 आ जाते हैं लोग। 9 दिन का विशेष महत्व है बताया जाता है मंदिर में, यहाँ दर्शन करने से 9 देवी का पूजा होता है जी। आज से लेकर के 9 दिन तक ये कोई संख्या निश्चित नहीं है, लेकिन ये 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 तक जाते हैं। और जो मान्यता की बात है तो ये सिद्धपीठ मंदिर है, माता जी स्वयं यहाँ प्रकट हुई थी, जो उनका 3 पिंडी है यहाँ पर। नवरात्र की जो विधि विधान है पूजा पाठ का, उस विधि विधान से पूजा पाठ होता है, श्रद्धालुओं की मन्नतें पूरी होती हैं और उसी मन्नत को देखते हुए यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ जमा होती है। ये भी बताया बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। हाँ, बहुत दूर, ये देश स्तर पे आते हैं लोग, ये कोई लोकल स्थानीय की बात नहीं है, राज्य स्तरीय देश स्तर पर ही लोग यहाँ आते हैं। हाँ, अगर नहीं होती तो फिर आते लोग नहीं। 9 दिन जो है विशेष महत्व है, आज के दिन का कितनी संख्या में लोग आते होंगे श्रद्धालु? किसी एक दिन की विशेष बात तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन 9 दिन की बात हम करेंगे। ये मान के चलिए कि 2,00,000 से ऊपर की बात करिए, बहुत ज़्यादा, क्योंकि 24 घंटा मंदिर खुला रहता है, दो दो तीन तीन लाइनें लगती हैं, दो दो तीन तीन किलोमीटर तक।